क्या आप मौलाना फजल रहमान के साथ मिलके इस्लामाबाद में धरना करने आ रहे हैं या नहीं आ रहे? हम तो निकलने वाले खुद हैं। मौलाना साहब अगर हमारे साथ मिल जाते हैं, हम मौलाना आपने साथ मिल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको ये एक बात बता दूं, अगर मौलाना के साथ हम नहीं निकले, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आया, अब मैं आपको बता रहा हूं कि हम पब्लिक को नहीं छोड़ेंगे, हम निकलेंगे, हर सूरत में निकलेंगे और एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगा। इसमें ऐसी कोई बात आपका आवाम की खातिर, हम आवाम की खातिर निकलेंगे, आवाम को इस महंगाई के चक्की से खुदा के लिए महंगाई। अभी उनके पास क्या कुछ कुछ बेचने के लिए आप रास्ता देख के निकल जाएंगे किस चीज का? अभी तो एक ह्यूमन बींग की, इंसान के, एक शरीफ आदमी की, एक सियासी आदमी की राय है। मैं ये कह रहा हूँ कि 10 दिन में ये जाने वाले हैं, ये राय है मेरी। 20 दिन में जाने वाले हैं, राय है मेरी। मैं ये कह रहा हूँ कि जी इनके पास अभी कुछ भी नहीं रहा करने के लिए, जितनी गोलियां इन्होंने फायर कर दी फायर कर दी। एक पॉइंट और मैं कहना चाहता हूँ, ये कश्मीर की बात की है मायूस साहब ने कि कश्मीर के लिए निकले और ये करें और वो करें। अरे मेरे भाई, कश्मीर में जो खतरा था वो तो आपने ऑलरेडी खत्म कर दिया है। मोदी साहब का आपने पहले दिन ऐलान किया कि हम कोई हमला करने वाले नहीं है, हम लड़ाई करने वाले नहीं है। आप लड़ाई नहीं करने वाले हैं, हमला करने वाले नहीं है, कुछ कार्रवाई करने वाले नहीं है। आपकी जो ताकत है, जिससे लोग डरते थे, जो कुव्वत है, वो ऑलरेडी आपने एक्सपोज कर दिया। जब आपने एक्सपोज कर दिया, मुझे बता दीजिए, मुझे ये बता दीजिए कि मोदी साहब क्या उसके कोई प्लान है कि आजाद कश्मीर को एडमिट करेगा? व्हाट इज देयर इन आजाद कश्मीर? मैं वहां जीओसी रहा, अगर मैं अगर आप होते तो आपके हमला कर देते। किस चीज का? इंडिया के ऊपर आप हमला कर देते। आप इनको कह रहे हैं ना हमला, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमला करें ना करें, कम अज कम अपने कार्ड्स को शो मत करो, पत्ते मत बताइए। लेट द फियर बी देयर, एटलीस्ट लेट द फियर बी देयर। अगर कल जरूरत पड़ जाती है, कोई पता नहीं क्या कौमी लेवल पे अगर ये फैसला किया जाता है, व्हाई द फियर शुड बी टेकन अवे? अभी किस बात के लिए मोदी किस बात से डरेगा? कहां कंसेशन देगा? वर्ल्ड कम्युनिटी क्यों देगा? पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी की तरफ से कंडमनेशन आज भी नहीं है, कहीं से भी नहीं आई। यही वजह है, उनको डर नहीं है कि लड़ाई होगा। वो डरेंगे इस बात से कि दो न्यूक्लियर स्टेट अगर टकराएंगे, अगर लड़ाई की सिचुएशन पैदा हो जाती है तो वहां पर और उनके स्ट्रेंथ से गुजारिश करूं।